तो गाइस ये देख सकते हैं जेब्रोनिक। तो हम इसका मॉडल भी दिखाते हूँ आप लोगों को, 15। तो गाइस 15.6 एलसीडी मॉनिटर, एलसीडी है ये गाइस, एलईडी नहीं है गाइस, एलसीडी है। तो हम इसको पावर नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमको सबसे पहले केबल को चेक करना पड़ेगा। हाँ सॉरी, हम इस केबल को यूज़ करने के लिए यहाँ पर मैंने ट्वीजर लगा दिया हूँ, और इस पर छूना मत ट्वीजर लगाते हुए। तो मैंने इस प्रकार से चेक करूँगा, क्योंकि मैं सीरीज बल्ब पे चेक करूँगा वहाँ पर, ठीक है बल्ब पे। तो यहाँ पर मैंने स्विच को दे देता हूँ, इस स्विच को, ठीक है स्विच दे दिया हूँ, और इस पर देखते बल्ब चला गया, मतलब ये वायर सही है। तो हम इसको ऑफ कर दिया हूँ, ठीक है। तो हमारा वायर जो है चेक हो चुका है, सही है। तो आप हम यहाँ से स्क्रू खोलेंगे, इसमें स्क्रू खोलने के बाद आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो गाइस हमारा डिस्प्ले एलसीडी है ये, ठीक है। और ये हो गया मदरबोर्ड इसका, और ये हो गया पावर सप्लाई इसका, साथ में इसमें जो है बैकलाइट की जो सप्लाई है यहाँ पर ही बनाया गया है गाइस। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा वेली दिख रहा है, तो इसी पे ही पावर सप्लाई के फॉल्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से। और यहाँ पर जो डायोड है, हम सबसे पहले इसका डायोड को चेक करेंगे, क्योंकि ये मॉनिटर के जो पावर सप्लाई आते हैं ज़्यादातर डायोड इफेक्टिबल हो जाते हैं अगर पावर नहीं आते। तो हम इस डायोड को चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं डीसी। तो गाइस हमारा जो शक था वो सही है, यहाँ पर देख सकते हैं हमने डायोड पे कंटिन्यूटी लगा के रखा हुआ। मीटर आपको चेक करके दिखाऊंगा, मीटर भी कंटिन्यूटी बता रहा है हमको शॉर्टिंग का, आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने मीटर का क्वांटिटी साइड पर रखा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो दो डायोड हैं, यहाँ पर दो डायोड लगाओ, कोई एक डायोड शॉर्टिंग हो चुका है। तो इसको चेंज करने के बाद सही हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। हम अभी खर्च के बारे में बात नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि खर्च का फॉल्ट अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा तो मैकेनिक के फॉल्ट प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपके इसमें खर्च के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको सामान जो है वो दिखा दूंगा ज़रूर। आपका टेक्नीशियन है तो उसका हिसाब से देख लीजिए, और आपका जो कस्टमर है वो भी चेक कर ले, आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं स्पार्क्स का किस तरह के एरिया ऐसे हो सकते हैं। लेकिन मैं इसमें प्राइस की जो है वो बात नहीं करूँगा। अगर रिटेलर की प्राइस के बारे में बात करते हैं तो आपको इसमें अलग अलग एरिया पर अलग अलग रेट लिया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये डायोड लगा हुआ, तो ये भी दिखाऊंगा ये कितना वोल्ट का डायोड है। हम इसमें चेक कर लेंगे ये सप्लाई कहाँ पर जाते हैं। सबसे पहले तो ये जो सप्लाई हमारा शॉर्टिंग हुआ है, ये बैकलाइट की जो सप्लाई है वो एलसीडी के, वो बैकलाइट की सप्लाई जाते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टिंग होने के कारण हमारा जो सप्लाई है टोटल बंद कर दिया गया है, मतलब प्राइमरी सेक्शन में ये ड्रॉप हो चुका है सप्लाई यहाँ पर शॉर्टिंग के कारण। तो अब हम इसका डायोड जो है ओपन कर लिया हूँ, दोनों को देख सकते हैं। तो अब हम इसमें ऊपर से चेक कर लेता हूँ शॉर्टिंग अभी है या नहीं। तो यहाँ पर अभी कोई शॉर्टिंग नहीं पता रहा है, तो जो हमारा डायोड है वही शॉर्टिंग है, और हमारा एक डायोड ख़राब है। आपको डायोड में भी टच करके दिखा दो, तो देख सकते हैं एक डायोड हमारा शॉर्टिंग बता रहा है, ये वाला। तो ये डायोड हमारा ख़राब है, इसको ओपन कर देंगे, खोल देंगे, और इसको हम वापस उसी पोजीशन में लगा देंगे। तो हमने जो यहाँ पर एक डायोड को जोड़ दिया हूँ पहले, और ये दूसरे एक डायोड को खुला हुआ है अभी तक देख सकते। तो उन्हें पावर देंगे भी, पावर केबल लगा दिया हूँ मैं, पावर दे दिया हूँ यहाँ पर। तो सामने देखता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके हैं। ये रेड लाइट भी जल चुका है, यहाँ पर स्टैंड बाई मोड पर चला गया अभी। ये नो सिग्नल आ चुका है। तो गाइस देखा आप लोगों ने कितना आसान था, और आपका एक ही डाइट
खराब था यहाँ पर। तो आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें क्या खर्चा आने वाला है, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले गाइस, और कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए क्या सही हुआ या गलत, ठीक है।